दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल BLY पॉइंट पर। दोस्तों आप इस चेहरे को तो पहचानते होंगे, इनका नाम है फरमानी नाज। ये गांव की छोटी छोटी गलियों में टूटे फूटे मकानों में बैठ के गाना गाया करती थी। इनका एक गाना बहुत ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिससे ये इंडियन आइडल के मंच तक पहुँच गई। इनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और इनके एक एक गाने पर लाखों हजारों व्यूज़ आते हैं। कुछ ही समय में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमा लिया और लोगों को इनकी आवाज़ बहुत पसंद आती थी। इनकी कहानी काफ़ी इमोशनल है। इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली इन्हें और इनके बच्चे को छोड़कर। इस अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए ये गली गली गाना गाती थीं। जब ये ससुराल में रहती थीं तो इनके बच्चे को एक बड़ी बीमारी थी नाक में, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होती थी। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी। ये इंडियन आइडल मंच पे भी इसी नीयत से गई कि इससे उसके बच्चे का इलाज हो सके। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, ये इंडियन आइडल के मंच पर भी गई और वहाँ पर भी इन्होंने गाना गाया, लेकिन इसी दौरान इनके बच्चे की हालत बिगड़ गई और इन्हें लौट के आना पड़ा। फिर उन्होंने अपना यूट्यूब पर सफ़र जारी किया, वहाँ पर भी ये गाने लगी, लेकिन वहाँ पर भी ये बहुत वायरल हुई और इनके गाए हुए वीडियो बहुत वायरल होने लगे। लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक ये विवादों में घिरती नज़र आ रही हैं। दोस्तों इन दिनों इन्होंने एक जो गाना गाया था जिसके वजह से ये विवाद में घिर गई हैं। जो विवाद हो रहा है, इन पे एक फतवा जारी किया गया, जो फतवा मदरसा देवबंद से जारी हुआ है। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, इसी पर इन्होंने एक गाना गाया जिसके बोल थे हर हर शंभू। इसी के कारण ये विवाद में फंस गई और देवबंद से फतवा जारी हो गया। सुनते हैं कि देवबंद के मुफ्तियों ने क्या कहा है। फरमानी नाच को देवबंदी उलेमा ने नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम में किसी भी तरह का गाना नहीं गाना चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए फरमानी को इससे तौबा करनी चाहिए। वहीं फरमानी ने कहा कि वे एक कलाकार हैं, ऐसे में उन्हें हर तरह के गीत गाने पड़ते हैं। वहीं देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि देखिए, इस सिलसिले में यही कहूँगा कि इस्लाम में शरीयत के अंदर कोई भी किसी भी तरह का गाना गाना जायज नहीं है। मुसलमान होते हुए अगर कोई गाना गाता है तो ये गुनाह है। किसी भी तरीके के गाने हों उनसे परहेज करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। फरमानी नाम की महिला ने गाना गाया है, ये शरीयत के खिलाफ है। मुसलमान होने के बावजूद ऐसे गाना गाना गुनाह है। महिला को इससे परहेज करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। दोस्तों हमने आपको फरमानी नाच की पूरी रिपोर्ट दिखाई, अब बताइए आपकी क्या राय है। फरमानी नाच पर लगा हुआ फतवा सही है या गलत है, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।